नमस्कार, मैं नितेंदु ओझा आपकी अपने एग्रीकल्चर चैनल ट्रिपल एग्री में स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है जनरल एग्रीकल्चर। इसमें 100+ MCQs की लिस्ट है जो कि ICAR या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जरूरत पड़ेगी, और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जितने भी क्वेश्चन हैं और उसको आप पढ़िएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द इरीगेशन मेथड मोस्ट सूटेबल फॉर सैलाइन सॉइल इज। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसका सही ऑप्शन होगा फ्लड इरीगेशन। दूसरे नंबर पर है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इज एन उमाइसेट दैट कॉज ए सीरियस डिजीज इन। तो इसका ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा पोटैटो। ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो होता है वो है पोटैटो लेट ब्लाइट के कहा जाता है इसको, और ये उमाइसेट का मतलब होता है वाटर मोल्स जो कहते हैं, जिस ज़्यादातर एल्गी कहलाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर है कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर 58% होता है, जो कि ऑप्शन सी है। चौथे नंबर पर है अवेलेबल फॉर्म ऑफ बोरॉन इन अ प्लांट इज, तो इसमें ऑप्शन डी होगा जो कि है ए और सी। तो इसमें Bo3 पे 3- का मतलब होता है बोरेट, और B4O7 पे 2- का मतलब होता है टेट्रा बोरेट। फिफ्थ क्वेश्चन है विप्टेल इन कॉलीफ्लावर अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा मॉलिब्डेनम। छठे नंबर पे है टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो इसकी बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। सातवें नंबर पे है द न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट इज, तो इसमें ऑप्शन होगा बी बोरॉन। आठवें नंबर पे है ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग, तो इसका ऑप्शन डी है फिफ्थ 5-year प्लान। नाइन्थ नंबर पे है सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है जो कि हार्ट ट्रॉट ऑफ शुगर बीट और जिंक, मतलब इसमें रॉन्ग पेयर हम लोग को सेलेक्ट करना है क्यों, और ये हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट जो होता है वो बोरोन की वजह से होता है, मतलब इसका सही करने के लिए इसमें बोरोन क्या कहते हैं, बोरोन का अगर हम लोग एप्लीकेशन करते हैं तो ये हार्ट रॉट ऑफ शुगर बीट जो होता है वो सही हो जाता है। और दसवें नंबर पे है द हर्बिसाइड विच किल ओनली द टारगेट वीड्स इज नोन एज, तो इसका ऑप्शन होगा इसमें सेकेंड नंबर सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। ग्यारहवें नंबर पे है नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC वॉज इस्टेब्लिश इन, तो ये मार्च 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। 12वें नंबर पे है टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन क्रॉप इज, तो उसमें है 200 से 300 सेंटीमीटर जो कि कभी ऊपर नीचे हो सकता है, ये रिकमेंडेड नहीं है, इसका ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और रिकमेंडेड इसका डोज आप चेक कर लीजिएगा। और 13 नंबर पे है द स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज जनरली यूज टू व्हेन सैंपल साइज इज, तो इसका लेस देन 30। 14th नंबर पे है सीग्रेशन अगर ड्यूरिंग द, तो ऑप्शन इसका होगा ए मायोसिस। फिर आता है 15th नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, तो ये एंटी स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि एक तरह का रिलेटेड होता है ये फैट सोल्यूबल कंपाउंड से, और ये फैट सोल्यूबल कंपाउंड जो होता है उसका ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन डी विटामिन ई। 16वें नंबर पे है साइंटिफिक नेम ऑफ राजमा इज, तो इसमें ऑप्शन है फेरेरिस वुलगेरिस। 7वें नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेथियोनिन एंड सिस्टीन, मेथियोनिन और सिस्टीन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होगा सल्फर, तो ये मेथियोनिन का मतलब होता है आपका अमीनो एसिड एक तरह का होता है, और ये सिस्टीन का मतलब होता है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। और 18वें नंबर पे है पीएच कंटेंट वाज डिस्कवर बाय, तो इसका ऑप्शन होगा सी सोरेसोन। 19th नंबर पे है एसिडिक ग्राम लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए मैलिक एसिड। 20th नंबर पे है फोटोसिंथेसिस रेट इज हायर इन, तो हायर होगा ये C4 प्लांट में जिसको हैच स्लैक पाथवे भी कहते हैं, और ज़्यादातर ये कार्बन डाइऑक्साइड को 4-carbon शुगर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके एक तरह का आपका केल्विन साइकिल में फॉर्म करता है, और ये मतलब क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए या फिर एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो उसका प्रेजेंस अच्छा होता है, तो इसमें अच्छी खासी एनर्जी होती है। फिर आता है 23 नंबर पे इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इज पब्लिश्ड बाय, तो इसका ऑप्शन होगा ICSR। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए हैं तो हमको आप ये बताइएगा कमेंट में कि ICSR का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर 24th नंबर पे है फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है, तो ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। फिर 25th नंबर पे है द नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग ऑफ राइस फॉर 1 hectare, तो इसका ऑप्शन होगा बी जिसमें 0.10 hectare। 26वें नंबर पे है एनोवा टेबल स्टैंड फॉर एनालिसिस ऑफ, तो
तो इसका ऑप्शन होगा आपका डी, जो कि कहते हैं वेरियंस। 27वें नंबर पर है, द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ कॉलीफ्लावर कट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज, तो इसका ऑप्शन होगा डी, जो होती है जर्मनी। 28वें नंबर पे है, फ्रॉस्ट सेंसिटिव क्रॉप इज, तो इसका ऑप्शन होगा बार्ले, बी नंबर वाला, मतलब ठंड से 0 डिग्री के नीचे जो इफेक्ट होता है वो है क्रॉप होगी बार्ले। और 29th नंबर पे है, एरोइंग इज नोन एज, तो इसका ऑप्शन होगा बी, इमर्जेंस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन द शुगर केन, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लावरिंग ऑफ शुगर केन भी। और 30वें नंबर पे, 30th नंबर, 2N-1-1 कंडीशन इज, तो इसका ऑप्शन होगा सी, जो होगा नलिसोमी, इसको हम लोग कहते हैं जीनोम म्यूटेशन। पार्ट टू में फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन स्टेट हैविंग मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया, चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, जो कि उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे 243,290 स्क्वायर किलोमीटर करीब है। और सेकंड क्वेश्चन है, ऑक्साइड प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइम स्टोन इज CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए। थर्ड नंबर पे है, टेम्परेचर टू बी मेंटेन ड्यूरिंग द पेस्चराइजेशन शुड बी, तो चार ऑप्शन है, उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए किया जाता है। और चौथे नंबर पे है, वायरस है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, RNA एंड प्रोटीन्स। पांचवें नंबर पे है, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक इन एप्पल इज, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जो कि M9, जो कि हाई डेंसिटी पे फ्रूटिंग करता है या फ्रूटिंग की जाती है। और छठे नंबर पे है, मैक्सिमम हाइब्रिड आर रिलीज इन द क्रॉप, तो ये क्रॉप होगी सोरगम, जो कि ऑप्शन डी है। सातवें नंबर पे है, मेलाथियोन, तो मेलाथियोन एक तरह का ऑप्शन बी जो होता ऑर्गेनोफॉस्फेट है, और ये एक तरह का मैन मेड इंसेक्टिसाइड है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट। आठवें नंबर पे, आउट ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया, टोटल इरीगेटेड एरिया इन द इंडिया इज, तो इसका ऑप्शन होगा 50%, ऑप्शन सी। नौवें नंबर पे है, वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो वो डे है 16 अक्टूबर। दसवें नंबर पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज, तो इसका ऑप्शन होगा बी, जो कि फीमेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ग्यारहवें नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिजीनियस मिल्क गिविंग ब्रीड कैटल ब्रीड इन इंडिया, जो इसका ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन होगा ए, साहिवाल। और 12th नंबर पे, जैकब एंड मोनोद आर फेमस फॉर द प्रपोजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ, तो ऑप्शन इसका होगा बी, लैक ओपेरॉन, जिसको कहते हैं हम लोग लैक्टोस ओपेरॉन, जो कि ट्रांसपोर्टेशन और मेटाबॉलाइजिंग का काम करता है लैक्टोस में। 13th नंबर पे है, फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड एंटीबायोटिक वास, इसका ऑप्शन होगा सी, पेनिसिलिन। 14th नंबर पे है, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ DNA वास डिस्कवर बाय, इसका ऑप्शन होगा सी, कोरियन बर्ग। और इन विट्रो का मतलब होता है विद इन द ग्लास, मतलब लेबोरेटरी में। 15वें नंबर पे है, एन इक्विपमेंट यूज फॉर ड्राइंग सैंपल फ्रॉम द सीड लॉट स्टोर इन अ बैग और अ कंटेनर इज, तो इसका ऑप्शन होगा सी, नोबे ट्रायर, एक तरह का ट्रायर होता है जो कि सीड सैंपलिंग के समय पे काम आता है। 16वें नंबर पे है, द डिफरेंस इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज, तो इसका ऑप्शन होगा बी, अवेलेबल वाटर। 17वें नंबर पे है, गुटेशन प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू, तो इसका ऑप्शन है हाइड्राथोड, अर्ली मॉर्निंग में होता है, और ये गुटेशन का मतलब होता है जब पत्ती के ऊपर जो आप पानी की बूंदें नहीं देखते सुबह सुबह, उसी को कहते हैं गुटेशन। 18वें नंबर पे है, सेल प्रेजेंट इन अ कॉइल आर, तो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, जो कि शायद मेरे ख्याल से DNA में प्रेजेंट होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन आप सर्च कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बताइएगा। 19th नंबर पे है, जिंडर एंड लेडरबर्ग फर्स्ट डिस्क्राइब द फेनोमेना ऑफ, तो इसका ट्रांजक्शन का इन्होंने फेनोमेना सबसे पहले क्या कहते हैं डिस्क्राइब किया था। और ये ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कि फॉरेन DNA होता है जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी सेल और या वायरस के द्वारा किसी सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है। 20वें नंबर पे है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग इज सिचुएटेड इन, तो इसका ऑप्शन होगा डी, नागपुर। 21वें नंबर पे है, द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सिंस 1982 हैज़ बीन, तो इसका ऑप्शन होगा बी, नाबार्ड बैंक। 22वें नंबर पे है, वेंचुरिया इनक्वेलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो इसका ऑप्शन होगा एप्पल स्कैब, और ये वेंचुरिया इनक्वेलिस एक तरह का फंगस होता है। 23वें नंबर पे है, क्रॉस बिटवीन F1 एंड होमोजाइगस रिसेसिव स्ट्रेन
विच मे बी इन ब्रेड हाइब्रिड सिंथेसाइज्ड और ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी इज कॉल्ड, तो इसका होगा टेस्ट क्रॉस। और 24वें नंबर पे है कल्टीवेशन ऑफ मेजर क्रॉप इन इंडिया अकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, तो इसका ऑप्शन होगा डी, कोलिटो ट्रिकियम फैल्कटम, जो कि एक तरह का फंगस है। और 25वें नंबर पे है बीटी जीन इज इनकॉर्पोरेटेड बाय, तो इसका ऑप्शन है बी, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, और बी, और इसका बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजिनेसिस। 26वें नंबर पे है एन एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट विच विथ केमिकल एनर्जी स्टोर इन कार्बोहाइड्रेट इज टर्म्ड एज, तो इसका ऑप्शन होगा डी, जो कि है फोटोसिंथेसिस। 27वें नंबर पे है आउट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री टोटल फॉरेस्ट कवर इज, तो इसका ऑप्शन होगा बी 21%। 28वें नंबर पे है लीडिंग पल्स ग्रोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज, तो इसमें ऑप्शन होगा बी महाराष्ट्र। 29th नंबर पे है मैंगो इज कॉमर्शियली प्रोपेगेटेड थ्रू, तो इसका ऑप्शन होगा बी विनियर ग्राफ्टिंग। 30वें नंबर पे है अमंग द फॉलोइंग एडॉप्टर कैटेगरीज विच ऑफ वन कैटेगरी कंसिस्ट लोवेस्ट परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेटिवनेस, तो इसका होगा ऑप्शन ए इनोवेटर्स। तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन है PUFA जो पूफा कहते हैं कंटेंट इज हायर इन, तो ये होगा पहला सनफ्लावर, और ये PUFA का मतलब होता है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सेकेंड नंबर पे है वेट ऑफ वन कॉटन बेल इज, तो इसका ऑप्शन होगा सी 170 kg। वो कॉटन बेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड साइज होता है, या फिर जब साइजिंग की जाती है तो स्टैंडर्ड साइज पे उसको मापा जाता है। तीसरे नंबर पे है फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलिसिस इज, तो इसका ऑप्शन होगा बी अमोनियम कार्बामेट। फोर्थ नंबर पे है ऊज टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्टिंग, तो इसका ऑप्शन होगा सी बैक्टीरिया। पांचवें नंबर पे है रूट प्रोमोटिंग हार्मोन इज, तो इसका ऑप्शन होगा डी IBA, जिसका मतलब होता है इंडोल 3-ब्यूट्रिक एसिड। छठवें नंबर पे है फाइलोडी डिजीज इन तिल इज कॉज्ड बाय, तो इसका ऑप्शन होगा डी माइकोप्लाज्मा। और सातवें नंबर पे है इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो जिसके द्वारा किया गया था वो है एल्बर्ट मेयर। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जानने की है कि ये फंडेड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा, एक्शन लिया गया था 1948 में, और शुरुआत सोच इसकी की गई थी वो है 1945 में। आठवें नंबर पे है विच बायो फर्टिलाइजर इज मोस्ट सूटेबल फॉर शुगर केन, तो इसका ऑप्शन होगा बी एजेटोबैक्टर। 9वें नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए रबी पल्स, तो इसका ऑप्शन होगा बी बंगाल ग्राम। 10वें नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, तो इसका ऑप्शन होगा CO2। 11वें नंबर पे द कंट्री हैविंग मैक्सिमम एरेबल लैंड पर पर्सन इज, तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑस्ट्रेलिया। 12वें नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, तो इसका ऑप्शन होगा सी मार्बल। 13वें नंबर पे है नाइट्रोजिनेज कंसिस्ट ऑफ, तो इसका ऑप्शन होगा बी MONFE, इसमें MO का मतलब है मॉलिब्डेनम और FE का मतलब है आयरन। 14वें नंबर पे है सेलुलोज इज प्रेजेंट इन, तो इसका ऑप्शन होगा ए सेल वॉल ऑफ ए प्लांट सेल। 15वें नंबर पे है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, तो इसका ऑप्शन होगा बी अल्टरनेरिया सुलैनी। 16वें नंबर पे है व्हेन वन न्यूक्लाई ऑफ ए मेल गैमेट यूनिट विद एग सेल न्यूक्लियस एंड द अदर फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियस द प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इसका ऑप्शन होगा सी डबल फर्टिलाइजेशन। 17वें नंबर पे है पॉलिनेशन थ्रू बायोटिक मीन्स लाइक ए बर्ड इज कॉल्ड, तो इसका ऑप्शन होगा ए ऑर्निथोफेली। 18वें नंबर पे हार्मोन एथाइलीन इज यूज फॉर, तो इसका ऑप्शन होगा सी बोथ ऑफ द अबव, मतलब आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग और हेस्टन लीफ सेनेसेंस। 19वें नंबर पे है वाटर हैव मैक्सिमम डेंसिटी एट, तो इसका ऑप्शन होगा 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का फैलाव होता है। 20वें नंबर पे है क्रैंज एनाटॉमी इज एन टिपिकल स्ट्रक्चर इन द लीफ ऑफ ए प्लांट दैट हैव, तो इसका ऑप्शन होगा बी C4 पाथवे। 21वें नंबर पे है आइसोटोप्स हैव इक्वल नंबर ऑफ, तो इसका ऑप्शन होगा ए प्रोटॉन्स। 22वें नंबर पे है पूसा बैसाखी इज अ वैरायटी ऑफ, तो इसका ऑप्शन होगा ए मूंग। 23वें नंबर पे है फ्रूट टाइप ऑफ बनाना इज, तो इसका ऑप्शन होगा सी बेरी। 24वें नंबर पे है कैरेक्टर दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड, तो इसमें होगा ए फैक्टर जनरेशन की वजह से। 25वें नंबर पे है द कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज नोन एज, तो इसका ऑप्शन होगा बी वेरियन। 26वें नंबर पे है
सल्फर फंगीसाइड आर वेरी इफेक्टिव फॉर, तो इसका ऑप्शन होगा सी पाउडरी मिल्ड्यू। सल्फर एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट है, लीफ की कलर बढ़िया रहेगा और लीफ जो होते चमकदार रहेगी, क्योंकि पेड़ की अगर पेड़ आपका क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग है, पेड़ की ग्रोथ अच्छी है, तो आपका ऑटोमेटिक ही क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी होगी। 27वें नंबर पे है द इन प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रिफिकेशन इज, तो इसका होगा N2 एर N2O गैस, मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड। 28वें नंबर पे है इंस्ट्रूमेंट जेल मीटर इज यूज टू डिटरमाइन, तो इसका ऑप्शन होगा ए पैक्टिंग कंटेंट। 29वें नंबर पे है प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ, तो इसका ऑप्शन होगा बी फैक्टर। और 30वें नंबर पे द इंडियन रबर प्लांट और अ पैरा रबर प्लांट बिलोंग टू द फैमिली, तो इसका ऑप्शन होगा डी U4BAC। 4वें पार्ट का पहला क्वेश्चन है कि मैंगीफेरा इंडिका बिलोंग टू द फैमिली, तो इसका ऑप्शन होगा सी एनाकार्डियेसी। और दूसरे नंबर पे द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज, तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑर्किडियेसी। और थर्ड नंबर पे पंजेंसी इन अनियन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका किस प्रेजेंस से है, वो है सी सल्फर कंपाउंड। और ये पंजेंसी के मतलब होता है एक तरह की शार्प स्मेल, प्याज की एक महक नहीं आती है, वो उसी को कहते हैं पंजेंसी। 4वें नंबर पे है मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज, तो इसका ऑप्शन होगा ए डिफ्यूजन। 5th नंबर पे है फाइबर ऑफ कॉटन कंटेंट्स, तो इसका ऑप्शन होगा सी सेल्यूलोज। 6ठे नंबर पे है नाइट्रोजन परसेंटेज इन किसान खाद, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, उसमें ऑप्शन होगा बी 25%। 7वें नंबर पे है विंड वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड बाय, तो इसका ऑप्शन होगा डी एनीमोमीटर। 8वें नंबर पे है मैक्सिमम नाइट्रोजन लॉस इन राइस क्रॉप इज ड्यू टू, तो इसका ऑप्शन होगा बी नाइट्रिफिकेशन। 9th नंबर पे है केमिकल यूज फॉर डिलिंटिंग ऑफ कॉटन इज, तो इसका ऑप्शन होगा डी H2SO4, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड डिलिंटिंग जब कॉटन की करते हैं। 10वें नंबर पे है क्यूरिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू द क्रॉप, तो इसका ऑप्शन होगा डी टोबैको। 11वें नंबर पे है इन वाटर लॉक्ड एरिया गैस फाउंड एब्यूडेंस इज, तो इसका ऑप्शन होगा CH4 मीथेन। ज़्यादातर हम लोग का राइस के फील्ड से भी मीथेन गैस ही निकलती है। 12वें नंबर पे है मेजरमेंट ऑफ सनलाइट इंटेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, तो इसकी यूनिट होगी लक्स LUX। 13th नंबर पे है बारबेडोस चेरी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, तो इसका रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी। 14th नंबर पे है लूज स्मट पैथोजन ऑफ वीट इज इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज, जो कि ऑप्शन ए है। 15वें नंबर पे है पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिश फैमीन इन 1845 वाज ऑप्शन सी। ये आयरिश फैमीन का मतलब है ग्रेट हंगर, 1845 में ग्रेट बहुत भूखमरी आई थी, और ये जिस किस कारण से आई थी वो है पोटैटो लेट ब्लाइट फंगस की वजह से, ऑप्शन सी। 16वें नंबर पे है द सीरियल क्रॉप दैट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इन टर्म ऑफ सीरियल प्रोडक्शन इन द कंट्री इज, तो इसका ऑप्शन होगा ए राइस। 17वें नंबर पे है द लीडिंग शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, तो इसका ऑप्शन होगा ए उत्तर प्रदेश। 18वें नंबर पे है क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन फॉर वीट क्रॉप इज, तो इसका ऑप्शन होगा सी क्राउन रूट इनिशिएशन। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आप हमको एक चीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि CRI स्टेज में ट्रांजिशन जोन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में हमको ये इसका आंसर दीजिएगा। 19वें नंबर पे है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ, तो इसका ऑप्शन होगा बी रिडक्शन प्रोसेस। 20वें नंबर पे है द डिस्ट्रीब्यूशन दैट मे बी यूज फॉर द नंबर ऑफ इवेंट इन द अदर स्पेसिफाइड इंटरवल्स सच एज डिस्टेंस एरिया एंड वॉल्यूम इज अ पोशन डिस्ट्रीब्यूशन। 21वें नंबर पे है द टर्म क्रोमोजोम वाज कॉइंड बाई, तो इसका ऑप्शन होगा बी वेल्डियर। 22वें नंबर पे है द मोस्ट लाइट टेक्सचर सॉइल्ड इज, तो इसमें ऑप्शन होगा सी सैंडी सॉइल। 23वें नंबर पे है इफ परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड द डिमांड इज सेड टू बी, तो इसका ऑप्शन होगा बी इनइलास्टिक। 24वें नंबर पे है द फ्रूट ऑफ क्रूसीफेरी क्रॉप लाइक रेप सीड मस्टर्ड इज, तो इसका ऑप्शन होगा ए सिलिकुआ। 25वें नंबर पे है टेपा थायोटेपा एंड मेटापा इज अ टाइप ऑफ, तो इसमें ऑप्शन होगा डी कैमोस्टेलिटेंट्स। और ये तीनों टेपा थायोपा और मेटापा का मतलब होता है कि एक तरह का ड्रग होता है
और ये कैंसर के डीएनए के समय पे काम आता है और ये उसी को उसी से रिलेट करता है। 26वें नंबर पे है, व्हेन अ डिजीज इज मोर और लेस कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड अकर ईयर आफ्टर ईयर देन इज नोन एज, तो इसका ऑप्शन होगा बी, एंडेमिक। 27वें नंबर पे है, कैनोला इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट बिलोंगिंग टू द, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मस्टर्ड। कैनोला ऑयल जानते होंगे ना आप, कमेंट करके नीचे बताइएगा कि कैनोला ऑयल क्या होता है। 28वें नंबर पे है, हर्बिसाइड सुटेबल फॉर वीट कंट्रोल इन ब्रिंजल इज, तो इसका ऑप्शन होगा ए, एंडीमेथिलीन। 29th नंबर पे, द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज नोन एज, तो इसका ऑप्शन होगा डी, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसमें आप हमको एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा ये हमको कमेंट में बताइएगा। और 30th नंबर जो आखिरी है उसका है कि वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स बिकॉज ऑफ वाटर पोटेंशियल इज, तो इसमें वाटर पोटेंशियल क्या होगा, लोअर होगा देन दैट ऑफ द रूट। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को देखिएगा और उन स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर किसी एग्रीकल्चर के इंट्रेंस पेपर को लिखने जा रहे हैं। तो मेरे वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिएगा। जय हिंद, जय भारत।